जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सब के सब क्या हैं, सब के सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग एकदम मन से ध्यान पूर्वक देखना, एक भी क्वेश्चन इसमें से छूटना नहीं चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, तो बताना बाबू न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है? ऋण आवेश होता है, धनावेश होता है, उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? न्यूट्रॉन जानते हैं, प्रोटॉन जानते हैं और इलेक्ट्रॉन जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पे होता है बेटा ऋण आवेश। क्या होता है? ऋण होता है। और प्रोटॉन पे क्या होता है? धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन जो होता है इसमें क्या होता है? उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो क्या होता है? 2n² होता है ना, तो n प्रथम कक्षा, n की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अगर n की वैल्यू 1 लोगे कितना होगा? 2 × 1² मतलब 2 × 1 हो जाएगा, कितना? 2। तो परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्या दिया है, निम्नलिखित में से अणु के लिए सत्य कथन है, तो कौन सा है? यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, दूसरा यह परमाणु का अनुपात निश्चित होता है, इसकी आणविक संरचना परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा बेटा इसमें? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्या कह रहा है, परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है, परमाणु का जो समस्त भार होता है केंद्रित होता है कहाँ होता है? नाभिक पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है, प्रोटॉन पर होता है, या न्यूट्रॉन पर होता है? तो बताना है, तो आप लोगों को पता होगा परमाणु का समस्त भार कहाँ पे? नाभिक पर केंद्रित होता है। ठीक है, अगला क्या दिया है, अगला दे रहा है परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता हैं गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, टॉमसन, चैडविक। अब खोजकर्ता कौन है आप लोगों को बताना है, खोजकर्ता जो है कौन है? गोल्डस्टीन है, टॉमसन है, रदरफोर्ड है, या चैडविक है? कौन होंगे? रदरफोर्ड होंगे। ठीक है, हो जाएगा। अगला क्या दिया है, यूरेनियम 92-238 में न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो बताना है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो कितनी न्यूट्रॉनों की संख्या होगी ये आप लोगों को बताना है। तो दिया है बेटा इसमें परमाणु भार दिया 238 दिया है, और क्रमांक दिया कितना? 92 दिया है। तो क्या करना, न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी n बराबर 238, 238 माइनस 92 कर लेना। ठीक है, जितना आएगा वो हो जाएगा इसका आंसर, लगभग 146 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 146। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इतना समझ में आया होगा। चलो अगला क्या दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो बताना CO2 में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? देखना बेटा, सी सी मतलब 6 हो जाएगा, ओ हो जाएगा 8। अब CO2 6 × O2 6 प्लस O2 कितना है बेटा? 8 × 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ 6 होगा, यहाँ 16 हो जाएगा, मतलब 22। कितना हो जाएगा? 22। CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी कितनी होगी बेटा? 22 हो जाएगी। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, तो बेटा उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 17 ही होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। परमाणु संख्या का आविष्कार किसने किया? परमाणु संख्या का आविष्कार किया था, कौन किया था बेटा? मोसले ने, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, या गोल्डस्टीन ने? तो परमाणु संख्या का जो आविष्कार है कौन किया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ, चैडविक ने। कौन किया था? चैडविक ने। अगला दिया है, निम्न में से किसी एक तत्व की समान संयोजकता कितनी है? 2 है, उसका परमाणु क्रमांक होगा, तो कितना होगा? देखना है बेटा, किसके संयुक्त 2 हो सकती है? ए मैग्नीशियम किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम का हो जाएगा, और ए कितना हो, सिलिकॉन का हो जाएगा, ए किसका हो जाएगा? सल्फर का हो जाएगा, ए आर्गन का हो जाएगा, ये होगा ना। इसका जब देखोगे 2 8 2 यही हो रहा है ना बेटा, तो किसका होगा? इसी का होगा, ए ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।